बीना देवी यहाँ से बीन बजाने जाएंगे। मीटिंग है, माने एमपी है बीना देवी, वो इस बार वो जा रही है मैडम, उनका तो चेहरा भी नहीं जानते कि भाई कैसी है मैडम, देखने में भी कैसी है, एक शब्द भी नहीं सुना। यहाँ का क्या किए हुए, विकास का कोई काम किए हैं बताइए? बीना देवी आज तक ले जीत के गई, जनता के पास एकदा भी नहीं है, कुछ नहीं, लूट के ले जाना है। बीना देवी के कोई यहाँ कोई वैल्यू नहीं, आज तक ले बासोकुन में बीना देवी जीत करके गए हैं, क्या किए? चुनावी यात्रा के दौरान मेरी मौजूदगी अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में है, यहाँ पर लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए प्रत्याशी हैं वीना देवी और महागठबंधन से प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि उनकी क्या राय है और किस मुद्दे पर इस बार वो प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। वीना देवी आज तक ले जीत के गई, जनता के पास एकदा भी नहीं है। परेशानी समस्या क्या है? ऐसा कोई विकास का काम नहीं हुआ है, हर एक चीज का समस्या है। विकास के मुद्दे पर चुनाव करना है, विकास के मुद्दे काम ही लेता चाहिए। और बीना देवी आज तक ले किसी को पूछते है ना, कोई काम करते है। इसी जगह ट्रक वाला में देख लीजिए, ड्राइवर को 10 साल का जेल का मोदी जी का दिए, कौन को अथी पर देगा उनको? जनता के सेवा करने के फेर में रहते है। बीना देवी यहाँ से बीन बजाने जाएंगे, वो इस बार वो जा रही है मैडम, उनका तो चेहरा भी नहीं जानते कि भाई कैसी है मैडम, देखने में भी कैसी है, एक शब्द भी नहीं सुना हूँ, कभी मेरे गांव में नहीं आई। जो सिटिंग है माने एमपी है बीना देवी, कहाँ कभी मेरे गांव में आई? मेरे गांव में 2100-2200 वोटर है वासुदेवपट्टी में, तो 2200 वोट है जहाँ पे एक दिन भी नहीं आई है, कोई जानता भी नहीं, मैं तो पहचानता भी नहीं उनको कि भाई कैसी है। और स्थानीय स्थानीय समस्या है कि कोई काम नहीं हुआ है, माने एक भी बोर्ड आप देखें हैं बीना देवी का कहीं बोर्ड, अरे समस्या का कोई समाधान हुआ ही नहीं। जो भी जस की तौर से कुछ विकास कार्य होता, कोई पुल पुलिया बनता, नाले का उड़ाई होता, पानी से भर जाता है, ये गांव डूब जाता है, अत्यधिक वर्षा होने पर ये पूरा गांव डूब जाता है, उसकी सूद लेने कोई आया ही नहीं, घर में पानी घुस गया था, कोई देखने भी नहीं आया कि भाई हमारे एमपी हैं तो आना चाहिए ना उनको, पूरा घर में पानी घुसा था, पूछिए इन्हीं लोगों से, माने महीना दिन तक रहा है पानी, रोड पे भी पानी था, कोई काम उनका नहीं है। और कहीं पर भी नहीं देखे उनको कि भाई आए, कम से कम लोगों से रूबरू होना चाहिए था कि नहीं, चाहे कि गलती हो गई, अब अपनी गलती सुधारेंगे, काम करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, सीधे हैं ईवीएम के भरोसे। 2 लाख का गाड़ी है, 5 लाख फैन है, तो नीतीश जी देंगे कि मोदी जी देंगे? कमाने वाला खाने वाला कहाँ से देगा, कहेगा बोलिए तो दिया जाएगा ऐसा आदमी के ये इसको भगाओ। मोदी जी झूठ बोलते हैं, काम का तो बात बोलते नहीं है। इंदे की प्रसादी हर साल उनका बपौसी है, हवा था निकल गए, उनकी बदल गया है बिहार। ड्राइवर खासी पर क्लैंप लगा दिए 400 पार, उनका सपना देखे बार ड्राइवर खासी पर क्लैंप लगा दिए, सारा कहानी खत्म। और मोदी जी का कहानी खत्म है, झूठ बोलते हैं। नीतीशो जी का कहानी खत्म, नीतीश जी तो दल बदलू है, दल के इधर दल के उधर। और कहने का मतलब ये जनधन वाला खाता खुला, लोग को पूर्वक समझाते चला है, ये 2 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, और स्मार्ट कार्ड बना, मेरा लड़का अभी लखनऊ में भर्ती है, वो स्मार्ट कार्ड लागू नहीं हुआ, हम कैश से इलाज करा रहे हैं। ऐसा तो गलत इतिहास दे करके, मुद्दा उठा करके या पब्लिक को झूठा बना रहे हैं, समझ की नहीं, ये सब नीति नहीं चलेगा। स्थानीय समस्या क्या क्या? स्थानीय समस्या है जी, यहाँ बिहार के लिए कुछ नहीं दिखाई पा रहा है, कुछ नहीं, लूट के ले जाना है। कहने का मतलब ये साधारण मुख प्रधानमंत्री होकर के और हर स्टेट में संबोधित करना। आपकी स्थानीय समस्या क्या है लोकसभा की, क्या क्या यहाँ कमी है, क्या क्या होना चाहिए काम? यहाँ बहुत कमी है, समझ गए, कोई कर कारखाना नहीं है, कोई जनता को यहाँ लाभ नहीं है, और 5 किलो अनाज देने से उनका स्थानीय नहीं मिलेगा, और 2000 खाता पर भेजने से उनका स्थान नहीं मिलेगा, समझ कि नहीं। इसलिए हम लोग इस बात से नाखुश है, बोलना है कि यहाँ के कोई फैक्ट्री खोले, कोई मंत्री कोई भी बनता है,
यहाँ खोलने का जरूरी है? कोई बेरोजगार लड़का मेरा बाहर में जा रहा है, वहाँ से लाज जूता खा करके आ रहा है, यहाँ का क्या मंत्री करते हैं, संसद यहाँ का क्या किए हुए, विकास का कोई काम किए हैं बताइए? कुछ नहीं, रघुवंश बाबू थे तो सीजीसी में कुछ विकास का काम किए थे, जो सिलाई का काम किए थे, डॉक्टरी सिखाए थे, फंक्शन अपना लिया थे, फंड उठा करके तो यहाँ देते थे, आज वो भी मर गए तो भी कहानी खत्म है। यहाँ संसद हम लोगों को चाहिए कर, बिना देवी के कोई यहाँ कोई वैल्यू नहीं। काम हुआ है क्षेत्र में? कुछ काम नहीं हुआ है, बथान जाकर देखिए है, जो रोड भी नहीं है जाने आने के लिए, आज नहीं देखिए तो ढलाई फलाई कुछ नहीं हुआ, हम लोग का विकास से काम हुआ, लड़का पढ़ लिखे जा रहा है, 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, 15 से 16 के आ रहा है, बेटा बीए करके पुतो बीए कर बैठा हुआ है, यही तो है, हम लोग का क्या फायदा है? किसान हम लोग है तो दूध का रेट है ये नहीं है, अनाज का रेट है ये नहीं है, साग सब्जी का रेट है ये नहीं है। देखिए हम लोग को तो काम चाहिए, जनता को क्या चाहिए, काम ही ना चाहिए, और जो काम का मुद्रा में जो दी अगर बिना देवी या कोई मुन्ना शुक्ला अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग वोट दे करके बेकार करेंगे, हम लोग वोट देंगे कला, हम वोट उसी को देंगे ना जो मेरा काम हो के, आज तक ले बासोकुन में बिना देवी जीत करके गए हैं, क्या किए हैं, कहीं हम लोग का भीड़ आ करके जीत के गए हैं, कुछ किए हैं वो हमको प्रूफ बताओ कि हम क्या किए हैं, कितना विकास किए हैं, हमारा विकास चाहिए, जो विकास करेगा उसको हम वोटिंग करेंगे, किस पर विश्वास है, कौन विकास कर सकता है? अभी तो हम किस पर विश्वास रखें, अभी तो कोई पर हमारे पास विश्वास नहीं है, जो काम ही होगा काम करेगा, तो जो समय आ चुका है, आ चुका है ठीक है, समय का काम समय आ चुका है, लेकिन कहने का मतलब जो नेता आता है तो जीत करके कहता है हम ही करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, करता कोई नहीं। विकास के मुद्दे पर मतदान किया जाएगा, जो विकास करेगा उसी के पक्ष में हम लोग जाएंगे, ऐसा कहना है वैशाली की जनता का। अब देखना दिलचस्प रहता है कि मतदान के दिन जनता का समर्थन किसे मिलता है। अपने सहयोगी डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, वैशाली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।